नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। संसद में विश्वास मत के दौरान बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 और विरोध में 59 वोट पड़े। 120 सदस्यों के सदन में मतदान के दौरान एक सांसद अनुपस्थित भी रहे। पूर्व रक्षा मंत्री 49 वर्षीय बेनेट दक्षिण पंथी यामिना पार्टी के नेता हैं। उनकी सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। बेनेट सत्ता बंटवारे के समझौते के तहत सितंबर 2023 के प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। उसके बाद वे अगले 2 वर्षों के लिए यायर लैपिड को सत्ता सौंपेंगे। 8 राजनीतिक दलों के गठबंधन में दक्षिण पंथी यामिना पार्टी से लेकर अरब सांसद शामिल हैं। ये गठबंधन इस महीने के प्रारंभ में यायर लैपिड और बेनेट ने बनाया था। गठबंधन सरकार में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी, जिसका नाम राम पार्टी है, वो भी शामिल हुई। बेनेट की जीत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की 12 साल की सत्ता को समाप्त कर दिया है। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली राजनेता 71 वर्षीय नेतन्याहू दक्षिण पंथी लिक्विड पार्टी के प्रमुख बने रहेंगे और विपक्ष के नेता होंगे। विदित हो, नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक इसराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। गठबंधन के बावजूद रह सकती है अस्थिरता। दोस्तों, नफ्ताली बेनेट ने संसद में 60 और 59 वोटों के बेहद ही कम मार्जिन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, मगर उनके साथ एक मजबूरी ये है कि उन्हें अपना पद बरकरार रखने के लिए पॉलिटिकली राइट, लेफ्ट और केंद्र से पार्टियों का एक भारी गठबंधन बनाए रखना होगा। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल अगर एक भी दल पीछे हटता है तो नई सरकार अपना बहुमत गंवा देगी और सरकार गिरने का जोखिम पैदा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो नेतन्याहू को सत्ता में लौटने का एक बार फिर से मौका मिल सकता है। इजरायल की संसद नेसेट में 120 सदस्य हैं। ऐसे में कम से कम 61 मतों के बहुमत से सरकार बन जाएगी।